ये कहानी है उस हादसे की जिसका किसी भी फाइल या रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। ये बस है तो मेरे जहन में। ये बात है उस समय की जब लड़कों ने मैस के खाने से परेशान होकर मैगी का नशा करना शुरू कर दिया था। ये हालत देखकर उन्हीं में से किसी एक लड़के ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मैस सिस्टम को हिला के रख दिया और हमारे सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए। हेलो जय हिंद सर। सर मेस में आज भी हग्गा बट रहा है सर। और हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं सर मेस में। हेलो तिवारी, फोन को जरा लाउड स्पीकर पे लगाना। मैं उस्ताद चचा और रोटी बनाने वाले को समझाना ही नहीं बल्कि उन्हीं का बना हुआ खाना खिलाना चाहता हूँ। और इनफैक्ट आप ये मेरा काम करेंगे आज और अभी। सॉरी, मेरे को समझा नहीं। मैं स्पीच सबमिशन के टाइम से सब आ जाएंगे, वार्डन, सुपरवाइजर, मैं सेक्रेटरी, और जहाँ तक कि साला वो झाड़ू लगाने वाला भी मेरे कमरे में आके यही पूछता है बार बार, भैया मेस की फीस जमा कर दी कि नहीं, मेस की फीस जमा कर दी कि नहीं। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो सुबह का नाश्ता नहीं करता और शाम को कैंटीन पे खाता हूँ। मैं वो हूँ जो आते जाते सीनियर को विश करता है ताकि मेस के खाने से बच जाऊँ और सीनियर मुझे कैंटीन पे पार्टी दे दें। मैं वो भी हूँ जब भी मैं मेस का खाना खा के बाहर निकलता हूँ तो मेरे सारे दोस्त पूछते हैं, भाई खाना कैसा बना है, और मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख के कैंटीन की तरफ बढ़े चले जाते हैं। और मैं वो भी हूँ जो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी का इंतज़ार करता है। मैं वो भी हूँ जिसकी गर्लफ्रेंड हर टाइम फ़ोन करके पूछती रहती है तुमने मेस का खाना खाया कि नहीं। वो दरअसल ये पूछना चाहती है कहीं मैंने मेस का खाना तो नहीं खा लिया, कहीं मेरा पेट तो नहीं ख़राब हो गया, कहीं मेरा सैटरडे मूवी नाइट का प्लान तो नहीं कैंसिल हो गया। और हाँ वार्डन साहब, आपको पता है मेरे पॉकेट मनी मेरे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा मेरे खाने पे खर्च होती है। खाना जो भी बने, पालक पनीर, राजमा, रायता या फिर वो हग्गा, पेट मेरा ही खराब होता है, बेवजह फंसता मैं ही हूँ। हाँ वार्डन साहब, आपने मेस में लड़कों को खाना खाते हुए देखा होगा, उनमें से कोई भी एक चेहरा चुन लीजिए, उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो ये जाना कि स्टूडेंट कैसे जाएगा? क्यों, जगह तो तकलीफ हो रही है, ऐसे ही घुट घुट के हमें ये खाना खाते रहना चाहिए था, और ये अचानक नहीं हुआ वार्डन साहब, बस यूँ समझ लीजिए कि लौंडियाबाजी के चक्कर में टाइम नहीं मिला। और हाँ, देर आए दुरुस्त आए। तुम हो क्या? मतलब तुम जैन हो, पंडित हो, बिहारी हो क्या तुम? इसका मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं है साहब। लेना देना है? आई एम जस्ट अ स्टूपिड स्टूडेंट। शायद तुम्हें डर लग रहा है वार्डन के आ जाने का। शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ।
अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा सामान भी हॉस्टल से फेंक दिया जाएगा। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? साबित कुछ नहीं करना चाहता मैं वार्डन साहब, स्टूडेंट में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। We are resilient by force, not by choice. He is untraceable, लेकिन मुझसे बचे जाएगा कौन? I am dropout by choice. गलती हम लोगों की है वार्डन साहब, हम बहुत जल्दी used to हो जाते हैं मेस का खाना खा खा के। और हाँ, एक ऐसा हादसा होता है, कमरे पे जाते हैं, बकर काट दी, फेसबुक चला ली, लौंडियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, और इस सिचुएशन से लड़ने की बजाय हम उसको एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्या करें वार्डन साहब, हमारी भी मजबूरी है, महीने के लिमिटेड पैसे मिलते हैं, उसमें हम रोज़ जाके कैंटीन पे खाना नहीं खा सकते, और इसीलिए हम मेस सेक्रेटरी चुनते हैं। और वो साला मेस सेक्रेटरी अपनी ही रोटियों पे घी लगा के निकल लेता है, और हम बैलों की तरह वो साली जली रोटियां खाते रहते हैं। आप लोग वार्डन साहब, मेस सेक्रेटरी, सुपरवाइज़र, ये सब कर सकते हैं पर कर नहीं रहे हैं। वाई आर यू नॉट निपिंग देम इनटू द नेट? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए, दिस होल ब्लडी सिस्टम इज करप्ट। और हाँ, कल रात को जो उस 3 बजे उस लड़के का पेट खराब हुआ, वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो हम लोगों को बताया जा रहा था कि हम तो भैया ऐसा ही खाना बनाएंगे, तुम कर क्या लोगे। यस, दे आस्क्ड अस ऑन फ्राइडे, रिपीटेड ऑन ट्यूसडे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन वेडनेसडे। तुम्हारी ये फिलॉसफी एक नंबर की बकवास है। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है जिसके कभी पेट खराब हुआ है? मुझे तब तक के लिए इंतजार करते रहना चाहिए था, जब मेरा कोई अपना बीमार होता, तब ये मेरा कदम आपको जायज लगता? अगर हाँ सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, मेरा था कोई अपना, नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज हम मेस पे मिलते थे, एक ही टेबल पे खाना खाते थे और मुस्कुराते थे। घटना से एक दिन पहले उसने मुझे बताया था उसकी ब्रांच में एक नई माल आई है, ही वॉज वेरी हैप्पी। अगले ही दिन मुझे सीनियर से पार्टी मिल गई और मैं मेस का खाना खाने से बच गया, लेकिन वो नहीं बच सका, उसने वो सड़ा हुआ कस्टर्ड खा लिया मेस का और उसे डायरिया हो गया। और अगले ही दिन जब मैं मेस पे गया, सब नए चेहरे थे, खाने में अलग थी बदबू और रोटियों में अलग सा कड़कपन था। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरे के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं इतना भी सेंटिमेंटल नहीं हूँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब, एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई लहन का बोड़ा, पार्डन माय लैंग्वेज, कोई लहन का बोड़ा ये डिसाइड नहीं करेगा कब मुझे मेस में खाना है और कब कैंटीन पे। वार्डन साहब, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद मेरे डिमांड्स और रीजन अजीब से हैं, इसलिए शायद बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो मेरे जैसे 1200 को ये हग्गा खिलाएं, वो जायज है, और मैं उन जैसे 3 को ये हग्गा खिलाऊं तो तकलीफ हो रही है। गलती आपकी नहीं है वार्डन साहब, ये हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम चुपचाप ये खाना खाएंगे और चुपचाप रहेंगे। मुझे मोबाइल पे ये कंफर्म रिपोर्ट चाहिए कि उस्ताद ने ये हग्गा खा लिया है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, वरना ये बड़ी हुई मेस की पीस कम होनी चाहिए, आज और अभी। सर, मैं चाहता हूँ ये फैसला आपने, अब अपने पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा है? लगता थोड़ी सर, अब कर भी क्या सकते हैं। चलो ठीक है।